हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है और घर में कुछ मीठा ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम बिना गैस के, बिना कुकिंग के एक आपको बढ़िया सी मिठाई बना के दिखाते हैं, जिसके लिए हमने लिया है ये 1 कप कोकोनट बुरादा, नारियल का जो बुरादा आता है, डेसिकेटेड कोकोनट। ये हमने मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, ये 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। दूध हम आवश्यकता के अनुसार डालेंगे। 2 टेबलस्पून हमने किशमिश ली हैं, 20 से 22 हमने बादाम ले लिए हैं और 2 टेबलस्पून हमने ये पिस्ता लिया है। ये देखिए, हमने पिस्ता को बारीक क्रश भी करके दिखाया है, रख लिया है। ये मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की है, इसको मैं 1/4 कप ले रही हूँ, थोड़ा सा 1/4 कप से ज़्यादा। और मैंने आपको दिखाया है कि ऐसी चीनी जो है पीस कर कैसी हो जाती है, तो इसमें से 1 चम्मच हम फिलिंग के लिए यूज करेंगे और बाकी 1/4 कप हम पेड़ा बनाने में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बादाम को, किशमिश को और पिस्ता को अलग अलग ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने बादाम को ग्राइंड कर लिया है, पिस्ता मैंने आपको दिखा दिया है, ये ग्राइंड कर लिया है। अब मैं किशमिश ग्राइंड करूंगी और ये देखिए कुछ इस टाइप का, जैसे चिपका सा इसका पेस्ट बन जाता है। मैं आपको हाथ से थोड़ा सा दिखाती हूँ, ऐसे किशमिश का जो है पेस्ट, ये चिपका बन जाता है। अब हम तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये बादाम ले लिया है हमने, ये पिस्ता डाल दिया है इसमें, 1 चम्मच भर के हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसमें 1 चम्मच के करीबी या थोड़ा सा उससे कम चीनी डाल देंगे पिसी हुई। और उसके बाद जो ये इसका पेस्ट बना है वो हम डाल देंगे, किशमिश का पेस्ट, ये बाइंडिंग के लिए काम आएगा। इसलिए आप चीनी थोड़ा कम भी कर सकते हैं, शुगर आप कम कर सकते हैं अगर आप कम खाते हैं तो। और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे हाथ से। किशमिश देखिए कैसे स्टिकी है काफी, तो इसको हम मिक्स करेंगे। अगर कोई बड़ा पीस आता है ना तो आप उसको निकाल के अलग कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए, हमने इसको 2-3 मिनट अच्छे से ऐसे ऐसे किया है, मिक्स किया है, ये बाइंडिंग पोजीशन में आ जाए, देखिए ये बंध जाए ऐसे और थोड़ा दरदरा रहे। बिल्कुल फाइन पाउडर भी आप इसका मत करिए, खाने में बहुत अच्छा टेस्टी लगेगा। और इसका अब हम क्या करेंगे, अगर आपका बाइंड नहीं हो रहा आप किशमिश और डाल दीजिए। इसमें कोई ऐसा खास मेजरमेंट नहीं है, तो आप कम ज़्यादा जो है ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं, ये जो आपकी पसंद के हैं ना वो आप ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। इस टाइप से ना हम अंदर फिल करने के लिए बॉल बना लेंगे इसकी, इस टाइप से। तो मैं बॉल बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से हम ये बॉल बना लेंगे, देख रहे हैं ना, पास से बहुत अच्छी लग रही है। तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं बाइंड हो रहा है तो थोड़ा सा आप दूध डाल सकते हैं। अब हम इसमें लेंगे ये कोकोनट, साथ में मिल्क पाउडर, इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। हाथ हमने साफ कर लिए हैं और इसके साथ हम डालेंगे इसमें ये पिसी हुई चीनी, जो ब्राउन शुगर हमने ली है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं। इन तीनों चीजों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको जितना भी मिश्रण हमारे पास था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा हम दूध डालेंगे चम्मच की सहायता से, इसको मिक्स करके देखेंगे, ठीक है ना। बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है आपको और फिर इसको मिक्स करना है। आप यकीन मानिए ये मिठाई इतनी बढ़िया बनती है और इतने आसानी से। देखिए ना, आपको गैस जलानी है, बस आपको ये सामान अपने घर में उपलब्ध रखना है और सबके घर में ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो आप कोई बड़ा बर्तन लेके, देखिए ये बाइंग होना शुरू हो गया ना, और ये इस मिठाई का कलर जो है ना, चीनी हमारी ब्राउन शुगर थी तो हल्का सा ब्राउन आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और लोग पूछेंगे कि कैसे ये रेसिपी आपने बनाई है। तो फेस्टिवल आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, आप किसी भी भाई दूज पर बनाइए, दिवाली पर बनाइए, तो ये मिठाई जरूर बनाकर देखिए। अब ये देखिए ये बाइंग होना शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं, ये देखिए जब इस तरह से बाइंग होना शुरू हो जाए ना तब आप इसको छोड़ दें, मतलब अच्छे से तब तक मिक्स करेंगे। और ये देखिए 1 मिनट करने के बाद ही ना ये ऐसे डो जैसे बन गया है, बाइंड हो गया अच्छे से। अगर ये गीला हो जाता है डो तो आप थोड़ा सा
और इसके अंदर वो मिला दें खोपरा जो नारियल का बुरादा आपने मिलाया। अब इसको हम ऐसे गोल बनाएंगे, हाथों को पहले साफ कर लेंगे। हाथों को हमने साफ कर लिया है और इस तरीके से हम इस मिठाई को ऐसे करेंगे, बीच में ये बॉल रखेंगे और ऊपर तक इसको कवर करेंगे, जैसे आप स्टफ पराठा बनाते हैं ना कुछ इस तरह से। ये मिठाई बहुत टेस्टी बनने वाली है, इसको अच्छे से गोल करेंगे और इसको हल्का सा ऐसे चपटा करेंगे और आप इसको किसी भी तरह की ऐसे शेप दे सकते हैं। देखिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। इस तरह से हम बनाते हुए इसके ऊपर पिस्ते की लगाएंगे कतरन, इस तरह से आप इसको पिस्ते से डेकोरेट कर दीजिए, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए और ये देखिए बन गई ना हमारी यम्मी सी मिठाई। तो इसी तरह से हम सारी मिठाइयां बना लेते हैं। आप इसको हल्का सा चिकना कर लीजिए और जितने भी बड़े पीस आपको बनाने हैं उतना आप बना सकते हैं। इसके बीच में आप बॉल रखिए और इसको ऐसे कवर कर दीजिए, पैक कर दें। जब आप ये कट करेंगे ना मिठाई, तो इसके अंदर से आपको ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आएगा और बहुत बहुत यमी ये लगने वाली है। तो इस तरह से हम इसको फिर से प्रेस करेंगे, गोल करेंगे, चिकना करेंगे और इसको चारों तरफ से ऐसे दबाते हुए हम एक शेप दे देंगे। आप किसी भी शेप में, आप गोल लड्डू की तरह बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा आप शेप दे सकते हैं अपनी मिठाई को और ये सब बहुत लाइक करेंगे। कोई भी इसमें हार्मफुल ऐसी चीज नहीं है और ये पिस्ता से डेकोरेट कर दिया, लग रही है ना यम्मी मिठाई। तो इसी तरह से सारे पीस बनाते हैं और आपसे मिलते हैं। मैं यहां आपको बता दूं, देखिए आप इस तरह से जब ऐसे गोल कर रहे हैं ना, तो आप जब इसको ऐसे पकड़ेंगे तो अंगूठे की सहायता से ऐसे दबाते जाइए और इस तरह से करते जाइए, तो बहुत आसान ये बन जाएगा, देखिए है ना। और इसके ऊपर पिस्ता लगा दीजिए और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी यमी सी लगने वाली मिठाई बनकर तैयार है। सब पूछते रह जाएंगे कि इसकी रेसिपी क्या है और सब बहुत खुश होंगे, आप भी अपने हाथ से बनाकर बहुत खुश होंगे। एक मिठाई मैं आपको कट करके दिखाती हूं, ये देखिए, बहुत आसानी से ये कट रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, स्टफिंग के साथ मिठाई, दानेदार मिठाई बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी।